आप कुछ समय तो गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठा रहे, समय न सफला कर रहे, बाकी दसमा जितना खोर है चार बजे तक उसनों भी सफला करने की खेचल करो, शब्द बोलिया करो ताकि रचना पवित्र सफली होंगी रहे। कन्ना सुन लगा के रखे, कन्न शुद्ध ते पवित्र होंगे हैं, नेत्रां की शुद्धि और पवित्रता गुरु दर्शन नाल है, बुद्ध की पवित्रता विचार नाल है, शरीर की सफलता हरी जस कीतियां सारे प्रेमी शब्द विच तीन हिस्सों विच बोलन की खिचल करा करो। जिन्हें प्रेमी पिछे बैठे हैं वो भी बोलिया करो, क्योंकि देखना चाहता है वह अक्सर चुप रहे भावें सुन रहे हैं, लेकिन रचना की पवित्रता शब्द बोलन करके है। फिर से कीर्तन को आपकी चिकित्सा की है, सदा रंग रंग राता
जाऊं सच तेरे नाम कम काम सुन का एक और नंद जागोई मौते फिर पे कृष्ण को हम किए
நானும் பாரம் ரொக்கி சேர்த்திருக்கிறோம். बड़ी दूरों या नेड़ों कई दुनियावी व्यवहारा में छद के कई तरीके से पैदल बाइसिकलों पर या मोटरसाइकलों पर कारों पर ट्रैक्टरों पर बसा आदि गुरु महाराज की हजूरी पहुंचे हो भावें जिस वक्त इसके कन विच आवाज पैंदी है जाना है गुरु बाबे के दरबार में और ख्याल पैदा होता है ख्याल सत्संगमयी होता है स्वच्छ होता है दुनियावी ख्यालों तो उच्चा उठ के ये चित विच गुरु के दरबार पहुंचने की उत्कंठा शौक पैदा होता है। उस वक्त तो ही प्राणी दे पुन्ना की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। जिस वक्त कदम उठाईंदा है जितने कदम कोई चल के आंदा है उतने अश्मेध जगह का फल गुरु बाबे के दरबार मुजरे पैंदा यानी एक ही कदम का एक ही अश्मेध जग का फल मिलता है। गुरु के दर्शन किते हैं तो बेंत जन्मां दी पापा रूपी मैल की निवृत्ति यूं हुंदी है जैसे मैले कपड़े नूं साबण लगाया उसकी मैल दूर होया करती है। गुरु नूं नमस्कार किते हैं मत्थे दे पुट्ठे ले क्यों सीधे हुंदे हैं जिवें मोहरां दे उपर पुठे अखर लिखे हुंदे हन स्याही लगा के जदों कागज़ ते लगाया जांदा है उल्टा के सीधे हो जांदे। गुरबाणी पढ़नी और सुननी जबान नाल पढ़ी दी है कन्नां नाल सुनी दी है बुद्ध नाल विचारी दी है जदों यूं कीता जांदा है इहदा तां कई करोड़ां यज्ञां दा फल दसे कई कोट क्रियक फलां सुन रावण हारे राम कई करोड़ यज्ञां दा फल सुन वालियां नूं ते गाउण वालियां नूं सहजे ही इसे खास खेचल तों बिना प्राप्त हुंदा है। खेचल की सर्दी दा मौसम है धुप च बैठे हैं या बुकर मार के बह जो कोई खेचल नहीं जल तारे हुईयां आत अपन विच कितनी खेचल है कष्ट है फिर भी उन्हों का फल तुच्छ है कुछ भी नहीं है। इसी तरह गर्मी का मौसम है पखे चलते इस वास्ते बिना ही खास किसी खेचल तो इतना करोड़ यज्ञा का फल मिलता है। एक हक्कानी नाम करके फकीर होया है इस्लाम विच ओदी बड़ी लंबी उम्र हुई है पहले समय विच होया है उन्हें एक थायो लिखया है कहन लगा मैनू 100 साल की बंदगी तो बाद यह तजर्बा होया एक छिन मात्र ख्याल का टका जे हो जाए रब दे जश विच तां करोड़ असमे दी जग दा फल। तो तांते गुरु जी इसी गल नूं मद्देनजर रख के कहंदे ने कई कोट के जग फलां सुन गावण हारे राम। आओ हुण विचार शुरू करो मानुख दे सत्संग करन दा गुरबाणी सुन पढ़न सुन दा और किसनूं अधिकार है बैलां नूं मईयां नूं गवां नूं हाथियां घोड़ियां नूं किसे नूं अधिकार नहीं इह जे अधिकार है सिर्फ मानुख जामे नूं ही। मानुख शरीर विच है 84 लाख जो अहंकार दी सृष्टि है उन्हां सारिआं विचों मनुख नूं इंसान नूं सारिआं दा बादशाह कथन कीता है। इस धरती पर तेरी शिकदारी अवर जोन तेरी पनिहारी 84 लाख जोन सवाई मानस को पर्व दी वड़ियाई 84 लाख जोन विच उत्तम जन्म सो मानस दे यूं कथन कीता है। तमाम जोनिया का बादशाह दे ही मानुख दे ही
क्योंकि मैं बादशाह एक गरीब ये दोनों भी इंसानियत वाल देखा जाए वो भी मनुख है वो भी मनुख है बादशाह भी मनुख है एक गरीब आदमी भी मनुख ही है पर बादशाह नू महत्ता क्यों दी गई उन्हें हकूक ज्यादा हैं ताकत ज्यादा हैं उसे बरकत ज्यादा हैं इसी तरह ही होर जामे जड़े हैं अभी तो लाके ब्रह्मा तक लख 84 जोन जितने हैं इंसान दे समेत मनुख नू होर सारन नालों क्यों विशेषता दी गई वह भी पंजां तत्तां दे बने हैं छेवां चेतन उन्हां विच भी है पंजे तत्त कहिए मिट्टी पानी अग हवा आकाश पंज तत्त हैं ठोस हैं मैटर हैं जड़ है इन्हां विच अपनी सत्या कुछ भी नहीं है जिन्नी देर तक परमात्मा की सत्या इन्हां विच ना होवे इह कुछ भी नहीं कर सकते जिवें मोटर है खड़ी है बड़ी कीमती है भावें कितनी कीमत दी दी है अगर उस दे विच उस नूं चलाउण वाला ड्राइवर नहीं तो उहदी कुछ भी हस्ती नहीं है किसी को भी कम दी नहीं इसी तरह हवाई जहाज है कितनी कीमत का है अगर उहदे विच कोई उहनूं चलाउण वाला पायलट नहीं है तो उहदी कीमत भी किसे कम दी करोड़ां रुपया लग्या फजूल है इसी तरह ही पंजे तत्त जिहड़े हन शरीर तों ला के ब्रह्मा तक शरीर जिन्हां दे बणे होए हन भावे बनावट एक फर्क है लेकिन मेटीरियल सारे दे यही कुछ है अगर चेतन वाहिगुरु की सत्ता ना हो आत्मा ना हो वाहिगुरु की जोत ना हो कौडी दे कम दा नहीं हरकत ही नहीं कर सकता ना पैर चल सकन ना हथ कुछ दे लै सकन ना अखां देख सकन ना कन सुन सकन ना नासन गंध लै सकन ना जबान कटे मिठे सुरने परख सके ना शरीर गर्मी सर्दी मन सके ना कोई फुरना उठे चंगा मरा कुछ भी नहीं मिट्टी है जो ये सत्ता निकल जाती है देखते नहीं एवं पिया होंगे यू नहीं कोई कुछ कर सकता नहीं कर सकता इस करके वो असल चीज सारे विच ओ ही है जीव आत्मा सब दा अपना आपा दरअसल वो है पर इन्हों सारे विचो मानुख दी जिहड़ी है इनू विशेषता दिती है इनू तमाम जोनिया का बादशाह यूं कथन किया जिवें मनुख मनुख के नाते एक गरीब के बादशाह बादशाह की महत्ता ही दिती गई है ये विशेषता ही है वाधा है होर जितनिया जूनिया हैं उन्होंने पूरा अंतकरण नहीं मिलिया होया उन्होंने बुद्ध नहीं मिली हुई विचार शक्ति नहीं मिली हुई उन्होंने ये नहीं पता की हाँ कितों आए हाँ कादे वास्ते आए हाँ भावे भुख नींद खाना सौना गर्मी सर्दी बच्चे ममता आदि इन गलों तो उन्होंने भी पाई जा इंसान हैं पर उन्होंने विचार शक्ति नहीं प्राप्त हुई विवेक बुद्ध नहीं प्राप्त है अपने आपे की सोचने की शक्ति नहीं उन्होंने प्राप्त हुई इस करके मानुक जोनी के मुकाबले मानव मुरदा दे न्यायी ऐसा यूं मानुक देव की विशेषता दसी हुई है होर की कहना है जिन्होंने देवते मानते लोग उन्हें उच्चा समझते हो देवता बहुत उच्चे होंगे पर मानुख देह के मुकाबले में तो वह भी कुछ नहीं है इस मानुख देह ने तो वह भी चाहते हैं यूं बाणी दसती है जेड़ी देह लोचते
माथे पर घुमाए, तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरें देव, सो देही अजहरती से। मानुक दे दी इच्छा देवता लोग भी कर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज संसार का उद्धार कर दे कर इसी जगह बैठे हुए हैं भाई बाला मरदाना, आप जी दे सदा दे समीपी सत्संगी हमेशा ही नॉल रहे सन, भावें बहुत दफा सैकड़े सैकड़े की तैदाद ही साधु अपना कई दफा इकट्ठे हो जाते सन, पर यह दोवें तो हमेशा ही आप जी दे चरणा दे विच ही रहिंदे सन। मरदाना रवाब बजाउंदा सी, कीर्तन करदा सी, कीर्तन सुणाउंदा सी, या गुरु बाबा जी भी कीर्तन करदे ए रवाब बजाउंदे, और भाई वाला चमर बरदार सी होर सेवा करदा। इउं एक दिन जंगल विच बैठे हां, कुछ बचनदास के दौरान विच आपने फरमान कीता भाई वाला मरदाना, सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी है, ऐसे फरमान कीता। दुखिया सब संसार नानक, दुखिया नानक दुखिया, दुखिया सब संसार ताकत हैं,
छत्तियां हम होता दुखी तो सुखी होंगे। गुरु जी कहेंगे भाई वो भी दुखी। फिर गुरु जी ने कहा उन्हें राजा महाराजा तो अलावा बड़े बड़े बादशाह वो सुखी होंगे। गुरु जी कहते वो भी दुखी। गुरु जी कहते होर की स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी। जो ऐश्वर्य ओदी है 33 करोड़ देवता ते जिसका हुक्म है, 96 करोड़ मेघमाला जिसके अधीन है, 1000 अप्सरा जिसके अखाड़े विच हमेशा नाच करदी रहिंदी है, 1000 किन्नर ते गंधर्व, किन्नर तारा के साज बजाने वाली गवैया का नाम है, गंधर्व जोड़ी आदि चमड़े के साज बजाने वाली गवैया नूं कहिंदे हैं, इहो जी अनेक जिस दे स्वर्ग लोक विच गायन करन वाले, फिर सुनहरी रुपहरी नहरां जिस दे स्वर्ग विच चलदियां, नंदन मन जैसे बागीचे जिस बगीचे दा सानी तिन्ना लोकां 14 फकरां विच कोई भी नहीं है, फिर कितने कितने मंजले हीरे लाल जार जड़त मकाना, कल्प वृक्ष और काम थे, कल्प वृक्ष उसनू कहते हैं जिस वृक्ष के हेठां बैठ के जैसी इच्छा कर लवे पूरी हो जाती, पर शांति और मुक्त नहीं दे सकता वो कल्प वृक्ष, वो भी स्वर्गलोक विच हैं। फिर काम थेन एक गऊ होंगी है, उहदे विच भी यही वसफ है यही सिफत है, वो भी मुक्त या शांति नहीं दे सकती और सारे पदार्थ देंगे। ये जिस दे स्वर्ग लोग बेअंत हैं वो क्यों दुखी है? गुरु जी कहेंगे भाई वाहिगुरु तो बिना, वाहिगुरु के भजन तो बिना सारे ही दुखी। सह यह गल सुन के मरदाना चुपता हो गया, पर मन का संसार दूर ना हो सकिया है। गुरु जी सारे ही दुखी दसी जाते हैं, सिर्फ उन्होंने भी सुखी दसते हैं जिड़े सुख स्वरूप वाहिगुरु न जुड़े हैं। अमीर तनाड़े कैसे दुखी हो सकते हैं? ये ख्यालात के चित विच रड़कते हैं, जिमें पैर विच कंडा रड़कता रहता है, जिनी देर तक उन्हें कटिया ना जाए तो रड़की जाता है। इसी तरह यह संसा मरदाने के चित विच रड़की हो गया। एक दिन का जिक्र, सतखा नाम करके एक शहर, उसके दरमियान के बाजार भी चले जाते हैं, एक बहुत वड़ी फर्म जिसकी बनावट बड़ी आला से दिलकश है, उसका मालिक एक बड़ा सेठ, नौजवान उम्र और बड़े कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, बड़ा खूबसूरत शरीर, नौकर चाकर बड़े उसके हुक्म विच। यह जब कुछ देख के इसके चित विच ख्याल आया कि यह बड़ा सुखी होना है, चट ही अगे वधिया, दोवें हाथ जोड़ के गुरु बाबे दे चरणां विच अर्ज कीती, सच्चे पातशाह आप सब नूं ही दुखी दसदे हो पर मैनूं ओह सेठ बड़ा सुखी दिंदा। यह सुन के गुरु जी बड़े मुस्काए, कहणगे मरदानिया अच्छा यूं कर फिर भाई, तू उसनूं पुछिया जा इकला करके पुछी, अच्छी तरह खोल के पूछी, संसा ना कोई रह जावे, उन्हें कहीं दिल्ली खोल खोल के दस, कोई लुको ना रखे, असी फलाने बगीचे विच बैठते हाँ उत्थे आज। गुरु जी चले गए, मरदाना उत्थे जा खड़ा जिते खरीदारों की बड़ी भीड़ भाड़ है, तो बड़ी देर तक खड़ा रहा, हौली हौली छीड़ हो गई। मरदाने नूं इकला खड़ा देख के उस सेठ ने पूछा, दसो जी थानू की कुछ चाहिदा है, किवें खड़े हो? मरदाना कहना कुछ नहीं चाहिदा। ते जमे खड़े हो की गल है? खड़ा तो कहना मैं दो गल्लां करनियां तुहाडे नाल। ओ कहना कि करो की गल है? मरदाना कहना यो नहीं इकले करनियां, होर ना कोई होवे, तुसी हो ते मैं होवां। ते ओ कहन लगा इन्हीं कर लवांगे, पर इहो तां दसो तुसी रहिंदे कित्थे हो? मरदाना कहना पंजाब देश से रहने वाला हाँ, मेरा नाम मरदाना है, गुरु नानक जी नाल रहना हाँ। गुरु नानक जी ने दुनिया के उधार वास्ते ही
अपना शरीर धारण किया है, गुरु अवतार धारण किया है। इस वास्ते आपकी सत्ता दीपा नवा खंडा विचते फिर के जिथा जो शब्द उधार कर रहे हैं मैं उन्होंने रहना हाँ कर्या करना हाँ। मेरा नाम मरदाना है, मेरा जन्म राशियां ने करता है। ये गल सुन के उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलवा दिता, जिस दे विच बड़ी तैयारी सफा से खाद लगे हुए, छाड़ो फानूस लगे हुए और बहुत किस्म दी तैयारियां, जिसनू देख के मरदाना होर भी हैरान हो गया। चित भी सोचता है भी ये तो कोई स्वर्गी बंदा है। ए सोच के खैर उठे बैठ गए मरदाना ते सेठ दोवें। हुण सेठ ने फिर कहा, दसो कहो भाई मरदाना की गल है, की कुछ पूछना है, हुण तां आपां दोवें आ, तीजा कोई बंदा नहीं। मरदाना कहिंदा, सेठ जी मेरे गुरु नानक जी फरमाउंदे हन, वाहिगुरू दे प्यारां तों बिना, आरफां तों बिना, तत्वेत्यां तों बिना, ब्रह्म वेत्यां ब्रह्म ज्ञानियां तों बिना, आत्म सिद्धि वाले पुरशां तों बिना सारा ही संसार दुखी है, पर मैं आप नूं बड़ा सुखी देखदा हां। सिर्फ यही पुछण वास्ते आया हां आप किन्ने सुखी हो। जदों इन्नी गल मरदाने ने कही तां सेठ दे मानो किसे ने कस के बाण मारे, इन्ना दुख होया उसनूं, अखां विचों तरप तरप हिंजू गिरने शुरू हो गए, ठंडे ठंडे साह आने शुरू हो गए। तो मरदाना भांपता गया, समझता गया ते दुखी है, पर एदा दुख पुछना है और इसकी मदद भी करनी है। गुरु बाबा जी के चरणों में अर्ज करके फिर कुछ देर तो बाद सेठ नूं धीर जाया। मरदाने ने फिर पूछा, सेठ जी मेरी गल का जवाब दो। तो कहन लगा, भाई मरदाना गुरु नानक जी सच कहते हैं, तू मेरी कुपुली किरिया नूं देख के मैनूं सुखी मानता है। ये तो एह जी गल है जिवें एक लकड़ी कही सोटी नूं उपरों सोहना रंग पॉलिश किया हो, चमक दमक चंगी हो, लेकिन विचों घुणे की खाधी हो। मेरी हालत तो यही जी है, उपली हालत देख के, उपली क्रिया देख के, उपला ठाट बाट देख के तू मेरे सुखी समझदा। सुख तो कोई होर वस्तु है, सुखी तो वह पुरश हुंदा जिहदा चित शांत होवे, जिहदा मन ठंडा होवे, जिहदे मन की कल्पना खत्म होवे, सुखी तो वह हुंदा है। पर मेरा मन दुखां ने इउं खाधा होया जिवें लकड़ी घुणे की खाधी हुंदी है। उपली अवस्था देख मैनू सुखी मन लगे, इन्नी गल कह के फिर उची उची रोन लग पिया। वड्डे वड्डे दुनिया पुत्ते होए रोंदे वेख नाम दुनिया, वड्डे दुनिया पुत्ते रोंदे वेख नाम दुनिया, वड्डे दुनिया पुत्ते रोंदे वेख नाम दुनिया, वड्डे वड्डे
ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੋ ਨਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਵੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਾਨਵ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪ ਤੇ ਖੂਨ ਰਾਹ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਸਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਪਾਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਧਿਭੂਤਕ ਅਧਿਦੈਵਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜੂਹਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਈਸ਼ਵਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨਾਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਵੀ ਵਿਓ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਗਏ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਾ ਸਕੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਠ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਰਸਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋ ਧਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਵੈਰਾਗ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਛੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸਤਗੁਣੀ ਖਾਣਾ ਸਤਗੁਣੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਤਿਆਗ ਛੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਘਰ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕੁਸ਼ੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸੇਠ ਨੇ
गुरु बाबा जी के चरणों में रखी। उस मौके गुरु जी ने दलासा देने वास्ते पहले उसने एक रामकली राग दे विच शब्द जिस दे विच वड़े वड़े प्रमाण दे के दसिया सेठ जी तू कदा दुखी है ये तो वड़े वड़े दुखी हैं सुख त सुख स्वरूप अहिर दे नाल जुड़े ही प्राप्त होंगे और किवें होंगे नहीं इन हजूर फरमाते हैं वड़े वड़े दुनिया पुट्टे होए इंद्र तो शुरू किया संसरदान दे इंद्र रोया परस राम रोवे घर आया अजय सरोवे पिछिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे राम निकाला फिया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दैसर लंक गुआए इन सीता अंधी डोर मुआए रोवे पांडव पय मजूर इनके सामी रहत हजूर रोवे जन्मे जा खोए गया एक ही कारण पापी थिया राजे रोवे कन्न पड़ाए दर दर भिक्षा मांगे जाए रोवे किरपन संचिया धन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाय पतार नानक दुखिया सब सुन मने नाम सोई जिन जाए अवरी कर्म न लेखे इस शब्द दे विच गुरु जी ने कली कली पंक्ति विच कली कली पौराणिक गाथा रखी है पौराणिक प्रसंग रखे हुए हैं कले कले रामचंद्र दे रावण दे राजे अज दे स्वर्ग दे राजे इंद्र दे और इस तरीके से वड़े वड़े प्रमाण अगर उन्हां दी विचार कीती जाए खोल के उन्हां दी बाब इत्थे दस्या जाए भी वड़े समय की जरूरत है करियो गुरु जी ने उसनु खोल के समझाया सेठ जी सुखी तो वही पुरुष हो सकता है जो सुख स्वरूप वाहेगुरु है उसके चरणों में जिसकी चित वृत्ति लीन है सर उसने कृपा की थी गुरु जी ने उसके घर पर जरम खादा इत्फाक खोया नाम दी दात बख्शी सारे
परिवार ने गुरु की सिक्खी धारण की, नाम जपन लगे, सुखी हो गए। इन शासन दुनिया दे विच किसे नु कोई दुख है, किसे नु कोई दुख है, किसे नु पुछ के देखो सारे ही दुखी। सुखी वही पुरुष है जेड़ा वाहिगुरु दे चरण विच लीन है, क्योंकि सुख स्वरूप है वाहिगुरु। उस दे विच जेड़ा जुड़िया है वही सुखी है, और कोई सुखी हो नहीं सकता। बड़े बड़े धनाटा नु पुछो और थोड़े पास होर दुखां दी वापस रोणगे, किसे होर नु पुछो होर किवें रो। सब दुनिया दी हालत ऐसी है, इस करके किसे दे धन पदार्थ बहुत है, ओदे होर किसे चीज दी कमी होनी। इतिहास इसी तरह एक सेठ है, बहुत धनाढ है, पर सार सिंह ओदे ग्रह पुत्र ने, यूं रो रहा बेचारा, रोज ओदी यही हालत है, नींद नहीं आती, खाना चंगा नहीं लग रहा है, बड़ा दुखी है। जो आंदा ओदे पास यही रोने धोने रोंदा है। बड़े उपा भी कीते, दवाइयां बूटियां यतन भी कीते, लेकिन कोई भी कारगर ना हो सके यार। अखीर किसे गुरमुख ने उसनु दसिया, सेठ जी तू उपा सारे कर चुके हैं इसते, पर जेकर एक उपा मैं तेन दसा ओ करें ता जरूर तेन सफलता प्राप्त हो जावे। ओ मेरा नुस्खा नहीं, ओ गुरु अर्जुन देव महाराज पंजम पातशाह का नुस्खा है। अगर तू उस नुस्खे नु वरते ता जरूर ही एक पुत्र की चारे पदार्थ तेन मिल सकते हैं। हैरान हो गया कि अजय किड़ा नुस्खा है जरा चारे पदार्थ दे दे दे, इसका जो नुस्खा मैं तो दुनिया तो कुछ सुनिया नहीं। अखीर वो कह लगे दस मेनु नुस्खा, मैं जरूर वरतूंगा। उसने गुरु अर्जुन देव महाराज जी का यह नुस्खा उसने दसिया। प्यारे चार पदार्थ मिलते सेवा साधु, जहाज बनाया आप जी ने एक गौड़ी राग दे विच सानू वित्र वाणी दिती, जिसका नाम है श्री सुखमनी साहिब। सुखां दी मणि जिस दे तकरीबन 24 श्लोक, 24 अष्टपदियां और तकरीबन 24,000 उसका अखर है, जिस दे एक पाठ कीतियां जो कि तकरीबन घंटे च हो जाता है, अठां पैरां दे श्वास सफले हो जांदे। अठां पैरां विच प्राणी नूं श्वास आउंदे हन 24,000, भावें घट वध वी जांदे हन। इह जरूरी नहीं सारे नूं इन्ने ही आउण, किसे नूं घट किसे नूं वध आउंदे न, इह अनुमान अनगल है। एवं दस्या बैठत 12, चलते 18, सुबत चले 25, मैथम करते 64, चलते चूना भजे जगदीश। श्वासां दी रफ्तार वैसे क्यों है, पर अनुमान है तकरीबन 24,000 साधन दा आ जांदा है। एक पाठ
श्री सुखमी साहब का जो कि तकरीबन घंटे च हो जाता है। कोई प्रेमी कर ले अठा पैन के स्वास्थ्य सफले हो जाते हैं। दो पाठ रोजाना कर ले जा दो घंटे लगते हैं, महीने च गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल हो जाता है। इस दे विच चार वेद, छे शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमृतियां, तौरेत, इंजील, पुराण, पुराण, जितने मत मतांतरां दे धार्मिक पुस्तक हैं, सब का ही सिद्धांत आ जाता है। करोड़ा ग्रंथां का सार की है? चार गल्लां, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। करोड़ा ग्रंथां का सार है पहले कर्म, इंसान बुरे कर्म छड के चंगे कर्म करे पहला दर्जा, इन्हों कर्म कहना। उपासना परमेश्वर की भक्ति, ओदे प्रेर आदि। हाँ, दूसरा ज्ञान, जीव से ब्रह्म की एकता का नाम ज्ञान है। विज्ञान उस दे विच ऐन विलीन हो जान का नाम है। गुण का समुद्र विच मिल जाना, जीव का ब्रह्म विच मिल जाना, जिस तो परे कोई चीज नहीं। संयोग करके इस दे विच चार गल्लां आ जांदियां हन। इस दे अनुसार चलिया जीवन मुक्ति, वरे मुक्ति मिलती है। आप जी एक जगह ऐसा फरमाते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा अलग है। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरा है साथ संगे होमे छोरा है। जे को जन्म मरण ते डरा है साथ जना की शरणी पर है। जे जन को प्रभ दत्त प्यासा नानक ताके बल बल जासा। चार पदार्थ धर्मर्थ कामोक्ष मने हैं। सारे दुनिया के पदार्थ इन्हां विच ही आ जाते हैं। यह गुरु जी ने फरमान किया है। सत्संग नुस्खा, नुस्खा जो कुछ दर्ज किया है उहदे विच जिहड़ियां जिहड़ियां दवाइयां दसियां हन, जिवें जिवें उहनां नूं मिला मलू के कट के जिस तरीके से उह बनाउणियां हन और फिर जिस तरीके से खाणियां हन, यूं खादियां जान फिर जाके वो नुस्खा पैदा करता हूं। जे कोई आदमी सिर्फ नुस्खा लेके उस नुस्खे नु ही मेरा पूरा रिपीट करी चले फिर तो बीमारी नहीं ना हटती होंगी। या उस एक कोई यह जा सीधा साधा आदमी सी, एक हकीम जाके कहन लगा मैनु बड़ी देर की बीमारी रही है, मेरे सिर दर्द होंदा रहिंदा है, कोई नुस्खा दियो। उसने कागज के उपर कुछ चीजा लिखिया, कह लगे लै नुस्खा। उसने सोचा भी इन्हों रगड़ के वरत लेगा, पर बहुत सीधा साधा आदमी सी। वह कागज के उपर जो नुस्खा लिखा सी उसने कूडे डंडे विच पा के रगड़ के पी लिया। दूजे दिन जाके कहना मेरा सिर तो हटिया नहीं। कहना किने खाता, किन्ने दिन खाता? कहना यू पीता घोड़ा लोग ऐसे हटता होंगे। जिड़िया गल्ला लिखिया सी वह चीजा नु लिया बाजार तो खरीद के फिर रगड़ा उसी तरीके से बना, उतने दिन खादा फिर तेरे सिर दर्द नु आराम होना सी। इसी तरह गुरु जी जो फरमाते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे साध जिना की सेवा लागे। सेवा का जरा लफ्ज है साध, सेवा मुर्दे तो बिना होंगी। सेवा करनी बड़ी औखी है, सेवा करने वास्ते बड़ी उच्ची सुची मत की लोड़ है, मुर्दा होने की लोड़ है, बड़ी श्रद्धा भावना कुर्बानी की लोड़ पैंदी है। जिन्हां जिन्हां सेवा की संशय वाली गल कोई नहीं, चारे पदार्थ उन्होंने मिल जाते। निष्काम पुरुषां नूं प्रभु आदि की प्राप्ति, सहकाम पुरुषां नूं कामना की प्राप्ति अवश्य होंदी है। ए रंचक मात्र इहदी संसानी जो गुरु जी ने कथन किया, पंगति एक अखर लग मात्र दुरुस्त ठीक है। इस करके पर अमल विच लियाउण की लोड़ है। जित चार पदार्थ सेवा करना Yeah.
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਕੁਛ ਛੱਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰ ਜਥਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਛੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਯੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਸਤ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਲਿੱਤਰ ਗਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ਹੋਣਾ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਮੰਜਾ ਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਸੇਠ ਸਿਠਾਣੀ ਪਏ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਸੇਠ ਜੀ ਦਾ ਪਏ ਤੇ ਮਨੇਰੇ ਵੱਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਠਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਭਲਾਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਸੇਠ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਸੇਠ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ।
हाय मर गया है मर गया। रात का वक्त से लोग कट्ठे हो गए, वो भक्त भी जिहड़ा समझाउंदा सी वह भी आ गया। कहने क्यों क्यों सेठ जी की हो गया की हो गया? कहने लगे की हो गया, इं गां करते थे टंग टुट गई दी। कहने लगे अजे तो गल ही करते थे, गल्ला नहीं टंग तोड़ दी पी जे हो जाता कहीं मरी जाता तू। इस करके इच्छा नाल की लैने इन्ह गलां से, सुख संगता वाहगुरू का भजन कर, इस तो बिना सुख नहीं है। जरा वाहगुरू अपनी खुशी जी वस्तु दे अटैचमेंट नहीं होनी चाहती, पकड़ नहीं होनी चाहती। ये चीजा दरअसल सुख स्वरूप नहीं है। विचार करके देख लो, निगाह मार के देख लो, दूजिया वाल निगाह मार के देख लो, ये चीजा सुख स्वरूप नहीं। सुख स्वरूपता केवल वाहगुरू के विलीनता है। इस करके आओ साध सिंह है आदम नाम करके बड़ा प्रेमी सी, उसनू यह फुरना बनया रहा। ओदे पुत्र ना होने करके एक गुरु का सिख मिले। उन्होंने समय ना साडे देश गड्डियां आईया सी, ना सड़कां सन, ना रस्ते चंगे सन, जंगलात बहुत ही हुंदे सन, जंगलां विच बड़े बड़े जंगली जानवर हुंदे सन, इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल हुंदा सी। मालवे विचों देखो अमृतसर पहुंचना किन्ना औखा सी, अमृतसर तो है ही नहीं सी, अजे शुरू होया सी। तो यूं करके उस सिख ने कहा, सेठ जी जे तू मेरी गल मन, उस भाई आदम कहने जे मेरी गल मने, तू सेवा कर गुरु ते गुरु की संगत दी, ते एक पुत्र की तुम्हें चारे पदार्थ मिल जाएंगे। उन्हें सारी गल समझाई, कहने फिर मैं सेवा करा कि मैं दर्शन तक करा जिथे जाके मैं सेवा करा, सिर्फ गल दस देनी इन्नी तक काफी नहीं ना होंगी है। खैर वह नाल लै गया, गुरु रामदास सच्चे पातशाह के दर्शन करवाए, सिख संगत उत्ते बड़िया सेवा कर, सारा दिन उत्ते सेवा करते सन। रामदास सरोवर की वह भी सेवा करता रहा, लंगर भी चलता देखा, सारी गल देखी। दो बड़े कीर्तन का सत्संग हो रहा है, मानो बैकुंठ वर्गा उत्थे ठाट पड़िया। यूं उसने सोचा हूं मैं सेवा किवें करा, भला जे करा दी, ए तो है जरूर चारे पदार्थ मिलते हैं, करा किवें? कोल रहे बिना सेवा नहीं हो सकती। सेवा तन मन धन तीन तरीके से होंगी है। खैर उसके पास जमीन जमान जी वह बटाई से दे दिता, जिड़ा वह अनाज आता गुरु के लंगर च पाता, इं सेवा करता सी। आप उसने घरवाली बिरदा सठ साल की उम्र हो चुकी थी बेचारी, उन्होंने उत्थे एक जिथे गुरु के सिख संगत रहने वास्ते छपरियां बनिया सन, उन्होंने भी कोटा सारा बागला बगड़ लिया। जो खुली थां पई होंगी कोई मालता ही नहीं, क्यों करके उसने अपनी छपरी पा ली। दंपति उत्थे रहने लग पे, प्रसाद पानी उत्थे बनाउणा, सेवा की करनी। नाल ही जंगल सी, दो परे लकड़ां दे लियाउणे, एक तां गुरु के लंगर दे वास्ते जिथे भोजन तैयार हुंदा सी उत्थे सिटे होणा, इहां सात संग दा भोजन पानी तैयार हुंदा, ते जिहड़ा अनाज वगैरा हुंदा छे महीने वटाई दा लिया के उह गुरु के लंगर च पा दिंदा हुंदा सी। इह इहां सेवा होई जांदी सी। ते बाकी इक भार लकड़ां दा अपना बहुत सारा वड्डा बागला सी, अपने छिटी जाता सी, जमा करी जाता सी, कोई वक्त आएगा मैं इसमें सेवा विच लगावांगा, इउं करी जाता सी। इउं करके इसी तरह समा गुजरता चला गया, कई साल भजन करता रहा, गुरु के दर्शन करता रहा, गुरु की सिक्खी धारण कर ली, नाम जपता सी, बाणी पढ़ता सी, सेवा करता सी। एक दफा का जिक्र, सर्दी का मौसम आ गया, कई दिन की झड़ी लगी, बड़ी सर्दी पै रही है। गुरु जी बाहर संतां नूं दर्शन दी दात देण वास्ते नेड़े तेड़े पिंडां विच गए सन, वापस आए नाल बहुत सारी संगत आ गई। मीह पैण करके रहण नूं भी जगह दी शॉर्टेज सी, तंगी सी, थोड़ी थोड़ी छपरियां सन, वड्डा थां तां है नहीं सी। सर्दी का मौसम सी, धरती गिली सी, सर्दी बहुत पैंदी सी। सो उस मौके संगत काफी आ गई गुरु जी दे नाल। रात दा वक्त है, भाई आदम ने सोचिया सिख संगत बहुत आ गई, रहण भी अंदर थां नहीं है, बाहर ही कितने ना कितने दरख्तां हेठां बेचारे ने अपने आसन लाए हुए हैं। हुण है जिहड़ी मेरे पास बारण जमा है, इहनू सेवा विच लगावां। जिथे जिथे संगत सी उत्थे उत्थे लकड़ां छिट के उसने अंगीठे ला दिते, संगतां दी सर्दी दूर करन वास्ते। दूर दूर तक अंगीठे लगा दिते, चार फिर रोशनी हो रही है, कि उन्हां समय बिजली बिजदा है कोई नहीं सी। इउं करके गुरु जी ने जो अंदरों रोशनी देखी, बाहर की रोशनी बहुत हो रही है, तदूरी सेवक ने पूछे की गल है भाई इनी रोशनी? कहेंगे महाराज ओ मालवे देश तो भाई आदम नाम करके एक जो मलवाई सिख आया है, वह बड़ी सेवा करता है, अपना छह महीने
जो बहुत सारी जमीन है उसके पास अनाज गुरु के लंगर च पा दिंदा है, बाकी एक पार लकड़ा का रोज गुरु के लंगर विच प्रसाद पानी तैयार होने वास्ते छड़दा है। यह सेवा कर एक अपनी भाज जमा रखी जाता सी। हूं सिख संगत बहुत आई है, सर्दी बहुती है, जगह है नहीं, दरख्तों दुख्तों देखना इन्होंने बेचार आसन लगाए हुए, उसने सर्दी को दूर करने वास्ते वह लकड़ा जिन्हें रखिया सिया थां थां अंगीठे लगा दिते। इन संगत अंगीठे मचरे ओरी रोशनी है। यही जी वक्त की सेवा दे के गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। सोचा भी हजे पुरश ने बहुत खुश करना चाहिए है, जो कुछ मंगे उसमें देना चाहिए है। यूं करके इसी तरह दूसरा दिन होया, अज गुरु का शासन दरबार लग गया। बेअंत संगत हजूरी विच बैठी हुई है, नेत्रां करके गुरु के दर्शन कर रहे हैं, कन्ना करके बाणी सुन रहे हैं, जबान करके बाणी का उच्चारण कर रहे हैं, निरंतर सिमरन करने वाले प्रेमी भी बैठे हैं। इतने बैकुंठ वर्ग आनंद प्राप्त है, जिन्हें यूं समय न गुजार रहे हैं। मैं उन तो बाद उन्होंने सचखंड बैकुंठ धाम ही थान दे रहा करता है। यूं गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, दरगे मिलता था गुरां दे नाल दसियां गुरां दे नाल जब गुरु नेत्री सतगुरु पेखना सर्वणी सुन नाम गुरु नाम सतगुरु से तीरते हैं दरगे पाइए। मरण तो बाद भी कोई जीवन है, क्योंकि जीवात्मा मरण वाली चीज नहीं, मरण हारे जीरा नहीं। स्थूल शरीर विचों सूक्ष्म शरीर के सहित जीवात्मा का अगे कर्मां के फल अनुसार जाके होर शरीर धारण करना, उसनु मरना, इस मरना ते अगे जाके जमना कहा गया है। तो यू कर्मा के अनुसार यह सारी खेत है। तो यू जो वह भगती करते ने इतने बैकुंठ वर्ग आनंद अगे भी बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। यू गुरु रामदास चौथे पातशाह का रूहानी दरबार सजा। भाई आदम की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, हुक्म किया भाई आदम नो लियाओ, तो जो कुछ मंगना मंग लवे। रात की सेवा से असं उससे बहुत प्रसन्न हाँ। भाई आदम नु सुनेहा गया, आ गया, बड़ा सरल सुभा का बंदा सी, सीधा साधा, कोई छबल नहीं थी जानता, पर अत्यंत प्रेमी सी। आगे नमस्कार की, गज पल्ला पा के हजूर दे सामने खड़ा है। आपने फरमाया, भाई आदम मैं तेरी रात की सेवा से बहुत प्रसन्न हाँ, मंग जो कुछ मंगना गुरु नानक दे घरों सब कुछ मिल जाएगा। सारे पदार्थ मिल सकते हैं, गुरु नानक दे घर दे भंडार भरे हुए हैं। ए सुन के ओ बेचारा सरल बंदा सी, सचे पातशाह जाना दी प्रीत बख्शो कहें। गुरु जी ने फिर दोबारा कहा, आदम मैं तेरे सेवा से बहुत खुश हाँ, मंग जो कुछ मंगना है गरीब नाम दी दास। अंदर तो फुरना सी, लेकिन उपरों ये कुछ कहीं जा रहा। फिर तीजी बार फिर पूछा, सचे पातशाह चरणा की प्रीत बख्शो। वड्डी चीज तो यही है, पर गुरु जी उसकी भावना भी जानते थे, किस संकल्प को लेकर सेवा कर रहे हैं, इन्नी करना कर रहे हैं। पहला तो वह फल देना सी, पिछों नाम की दात बख्श के, चरण की प्रीत बख्श के, लोग पर लोग दोवें सवार ने सन, यह भी देना सी। यूं करके गुरु जी मुस्कुरा के कहा, चंगा भाई आदम जा, हुण घर जाके सलाह करनी, कल नूं फिर आ जाओ। इन्ने खुश हुए घर जाके अपने घर वाली नूं कहन लगे, गुरु जी ने बुलाया सी, मेरे तो पूछे तीन बारी, मंग जो कुछ मंगना है
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇ ਸੁੱਕੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਨੀ ਸੰਗਤ ਲੈਂਦੀ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਦਮ, ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰਾਨ ਦੇ ਕਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ, ਭਾਈ ਆਦਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅੰਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਮੰਗ ਸਮਝੋ। ਸੰਯਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੇਠ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਵਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਕਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ।
महापुरुखों का वचन हो गया। ये तुहानू पता ही है कि हर साल माघी तो यानी लोहड़ी आले दिन तो ला के नौ माघ तक, क्योंकि नौ माघ नूं संत महाराज जी ने पंज पूजू चोले नूं त्याग के अपने आप नूं महाजोति च लीन किया। उस दिन का जोड़ मेल कई सालों तो चले आ रहा है, तो कुछ सालों तो इत्थे कई जोड़ मेल और विचाले आ जाने, वो सपन भी आ जाने विचाले वो भी आ जाने, इस करके नौ दस दिन का दीवान इकट्ठा ही हो जाता। नौ माघ की शाम तक भी दीवान रोजाना ही इसी तरह चलने हैं, इस करके ये प्रसंग इतने विचाले छड़ने कल इतने शुरू हो। जरा ध्यान दया करो, उठन वाले प्रेमी घड़ियां तो सारे ने गुटा बनिया हो, टाइम देखा करो की है, वक्त की पाबंदी भी सीखो। कुछ संगत आके जे तुसी इन्ना ही नहीं सीख सकते, बस अरदास तो बाहर जाइए, हुक्मनामा सुन के फिर जाइए, पांच सत मिनट होर लगा दिए, तो ज्यादा सेवा तुसी अपने आप ही दसो की करोगे। हां भाई आदम वांगू की करोगे, तुसी इच्छा तो बड़े बड़िया रखते हो भी गुरु घर तो सानू आ मिल जे, आ मिल जे, आ मिल जे। साडियां कामनावां तो बड़िया बड़िया हैं, पर सत्संग साडी कुरबानी तिर जिन्नी मिली, जिन्नी कुरबानी करोगे ना फल भी मिल जाएगा। जे कुरबानी करने वास्ते तो तिल मात्र मंगा पहाड़ जीत जीड़िया, तो तुम अपने आप ही सोच लो, जैसा बीजे सोर ने करमा सुंदरा खेर। तो इस करके कम से कम इना तो कर लो, जो होर नहीं होंगे तो वड्डी गल है। वक्त जेड़ा है घड़ी मेरे सामने पई होंगी है, वक्त की पाबंदी सारे जानते हैं। तो इंग्लैंड के लोग उधरले चंगे सन, जेड़े नाले बिलकुल ही अरदास बाद पहला यह नहीं सुना, अज मैं कुछ सुना हुक्मनामा सुन के फिर उठते होंगे नाले। उत्थे ऐसा मौसम रहा, असि इना भी नहीं कर सकते, इनी देर से सत्संग करते हैं की जानिए कि सानू लेस लगे है, की कुछ अभी प्राप्त कर लवेंगे, अपने आप ही विचार कर लो, कह सुन की लोड़ नहीं है। इस करके हम गुरु स्रोत विच बोलो, उस तो बाद अरदास हो जाएगी, फिर उस तो बाद हुक्मनामा सुनाया जाएगा। जान वेले थोनू पता ही है माइया सज्जे पासे जांदियां, जिधर ए बैठियां उसे रस्ते जाके जिथे इन्होंने जुते रखे जुते लैके उन्हें जान का रस्ता जरा उधर उधर दी जान। भाई सामने दरवाजे जाके अपने साइकिल जुते वगैरह लैके अपने वड्डे दरवाजे लेने, उन्होंने पता है बाहर ट्रैक्टर वगैरह होर जड़ी गड्डिया मोटा मोटा खड़िया हैं, उन्होंने शांति ले जाया करो, देख इधर उधर कोई हेठा नीचे ना आ जा रहे, ये भी ख्याल रखा करो, जान वाले भी ख्याल रखा करो, जिते कहा किसी देखा ना आ जाया करो, एक किसी नु फिर दोष नहीं देना चाहिए। मतलब इस करके इन विचार भी सीखनी चाहिए सन। तो आप हम गज बज के गुरु स्रोत विच बोलो। I'm gonna have to